टू कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें पियर्सिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, जिसे हम थ्री स्टार पैटर्न भी बोलते हैं। थ्री स्टार पैटर्न मतलब एक रेटिंग होती है, जैसे आपको क्या बोलते हैं, कोई भी मूवीज आप देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो तो उसमें आप रेटिंग देते हो ना, थ्री स्टार, टू स्टार, ढाई स्टार, फाइव स्टार। तो वैसे ये है, ये आपकी जो पैटर्न है वो थ्री स्टार पैटर्न कहलाता है। मतलब इसके इस पैटर्न के बनने के बाद में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट रिवर्सल होगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो ये जानते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न क्या है और वो कैसे बनता है। पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, डाउन ट्रेंड के बाद में इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से होगी, पहले डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद में गैप डाउन के बाद में ग्रीन कैंडल बनती है, जो नीचे से ओपन होकर ऊपर जाके क्लोज होती है। और उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को, पहले वाली कैंडल को, वो 50% से ज्यादा कवर कर लेती है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा रेड कैंडल को कवर करती है। उसके बाद में जो कंडीशन होती है कि ग्रीन कैंडल के बाद में इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी वो जस्ट उसके ऊपर की तरफ खुलेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पैटर्न, कैसे ये मार्केट रिवर्स हुई और बुल मार्केट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो कुछ कंडीशन है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड के बाद में हमेशा बनती है। मार्केट हमेशा ये कैंडल जो है नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, इसे हम बुलिश पैटर्न सिग्नल भी बोलते हैं। ये 50% से ज्यादा रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कवर कर लेती है, रेड कैंडल के बाद में गैप डाउन के बाद में बननी चाहिए, तब ये कंडीशन फॉलो अप्लाई होता है, जिसे हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट बुल की तरफ जाती है, तो हम यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। हम यहाँ पे इसके लो में स्टॉप लॉस लगा देते हैं और इसके हाई में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। जब हम ये करने के बाद में हम अपना 1:3 का हम टारगेट सेट कर लेते हैं और उसके बाद हमारा टारगेट कंप्लीट होने के बाद में हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग इसे लाइक से जरूर करिएगा। और कुछ एग्जांपल्स मैं और इसमें डाल देता हूँ, जहाँ पे आप लोग देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।